दिक्कत है? क्या क्या दिक्कत? पानी की दिक्कत है, रोटी पानी की दिक्कत है, खाने का खाने मिलता है। ने डॉक्टर छे, ने कंप्यूटर छे, ने चुनाव छे, ने कोनो चाक निकले सहसा में। गर्मी में मर रहा है, लाइट नहीं आ रहा, लोग क्या करेगा? आप सब जल्द से जल्द लाइट दीजिए। और क्या, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com का पर दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। यहाँ 15 देखिए, ये महिलाएं इस तरह रह रही है पानी में, पूरा गांव डूबा हुआ है इस क्षेत्र में। मंत्री जी आ जाए हैं लेकिन लोग काफी परेशान है। क्या चल रहा है? फिगर बड़ा कर खाना खा लो। स्कूल पर खाते हैं हम लोग। हम लोग स्कूल पर खाते हैं अभी। अच्छा, स्कूल पर खाता है? खाना मिला स्कूल वाला? हाँ मिला, सरकारी है खाना है। अच्छा, और क्या क्या? खिचड़ी ये दे रहा है। खाली बच्चे को दे रहा है? बड़ा को नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है, बच्चा भूले दे रहा है। इन लोगों की हालात देखिए, ये स्थिति है। लोग रहते हैं इसी गांव में, और खासकर बता दें ये वो बच्चे हैं जो इस देश का भविष्य है, लेकिन इन लोगों को अभी बाढ़ में इन लोगों को खिचड़ी केवल बच्चों को मिल रहा है, बड़ों को नहीं दिया जा रहा है। यहाँ जैसे इन लोगों ने शिकायत की, इन लोगों का कहना है कि आखिर मंत्री जी का भी काम बनता है कि आज वो देखेंगे, निरीक्षण करेंगे, जाने का प्रयास करेंगे आखिर की। चलिए हम भी आपको ले चल देंगे, आपको इतने पानी के बीच हम जाएंगे, क्योंकि हमें आपको जमीनी हकीकत दिखाना है। काजी हकीकत में तो बहुत जगह बाढ़ नहीं है, काजी हकीकत में अगर कहें तो बहुत लोगों को मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, राहत मिल रहा है। चारू पास का रहा देख ले, आधार हमारे पीछे अजीत दिखा दीजिए, हमारे पीछे जो देखे लोग हैं गांव के, इन लोगों की समस्या को लेकर गांव जा रहे हैं। सरकार दिन रात माल जाल बांध पर लेकर पेट पुनिया देने है। अरे दा बिसाख तो जाने से दे दो जाने वो थे को पालियो तलियो दे तो हम तो के जो नहीं लिए था ना, वो तो खेल जाए छे में खेल जाए छे बांध पर लाकर सब परिवार गए। असल तो असल की भाग हिसाब करम अब होय ले की बात की छे, कितना बाकी छे, कितना होय ले बाकी छे, मरै छी सब रा सब तो रहै मरै छी। ये सभी एक झलक देखे इन लोगों को, इन लोगों का आक्रोश देखे। क्या है दिक्कत? क्या दिक्कत है? हर एक चीज का दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत? पानी की दिक्कत है, रोटी पानी की दिक्कत है, खाने का खाने मिलता है, रोटी बना के खाना ओन भी नहीं मरता है, बिजली की दिक्कत है। पानी में आप लोग आठ रोज से पानी, यहाँ का जो प्रशासन है कुछ वो किया है, कुछ नहीं दिया है। ये लोकल लैंग्वेज है, मतलब कुछ नहीं मिला है। आठ दिन से पानी में ये लोग दिखेंगे, सच्चाई है। आखिर कागज पर क्यों यह प्रशासन के अधिकारी लिखते हैं कि अभी बाढ़ नहीं है बहुत जगह पर, क्यों लिखते हैं कि सबको राहत सामान मिल गया है? पूछ लीजिए इनसे, क्या मोमबत्ती मोमबत्ती मिला आप लोगों को? लेकिन हम चाहते हैं कि जमीनी हकीकत आप तक पहुंचे, सरकार और प्रशासन के और समझ जाए कि क्या हालात है। हमने दिखा दिया कि यहाँ की हालत काफी नाजुक है। किसी को ना प्लास्टिक मिला ना आज तक। कितने लोग हैं मोहल्ले में? इसके मोहल्ले में कम से कम 200 घर है। हाँ। 200 घर में लगा लीजिए, एक एक घर में पांच परिवार का बंदा तो है, पांच छह परिवार आदमी है आज। तो उसके बाद कोई प्रशासन ने कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं दिया यहाँ। आठ दिन से जो पानी है, तो कोई प्रशासन के अधिकारी प्रखंड के आए और क्या देखे? कोई नहीं, कोई भी नहीं। चलिए हम मीडिया भी
जान जोखिम में डालकर इन तक पहुंचे हैं। इन लोगों के हालात को जानने के लिए देखे, ये बाबा कितने परेशान है। देखिए इस स्थिति में वो तो से जब सुन सकते हैं तो सुनिए इनकी आवाज, देखिए कितना कष्ट में लोग रह रहे हैं। और यहाँ के जो प्रखंड के अधिकारी हैं वो कहते हैं यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक आके नहीं देखे। शर्म का विषय है ये जिला प्रशासन और राज्य सरकार के लिए, क्योंकि ये लोग काफी परेशान है, त्रैमाम कर रहे खाने के लिए पीने के लिए। चलिए हम लगातार YouTube पर मिथिला मंच न्यूज सब्सक्राइब करके आप देखें, हर खबर हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि इन लोगों की समस्या के निदान हो। चलिए हम आगे भी दिखाएंगे मीडिया वाला, मीडिया वाला अच्छा ले। ये सर भी लिया है, अभी हम लौटेंगे। हाँ पहले बिजली बिल आकर नहीं कहियो चौबीस सौ की 3600 की आपकी सौ पंचायत के छे अंग्रेज जमाना से आ वही में 10% दस परसेंट जी नहीं जी नहीं कोई भी आदमी है पानी का व्यवस्था। हम पहुंचे हैं आधारपुर और कितनी जान जोखिम में जुड़कर, जब हम लोग मीडिया वाले इतने जान जोखिम में लेकर पहुंच रहे हैं तो समझ सकते हैं कि प्रशासन के अधिकारी किस तरह पहुंचेंगे। हालांकि मंत्री जी पहुंचे और मंत्री जी यहां लोगों का बात जानने का प्रयास करें आखिर क्या समस्या है, लेकिन बता दें हालत काफ़ी गंभीर है और यहां पर किस तरह 8 दिन से लोग रह रहे हैं, प्रशासन का कोई आदमी यहाँ नहीं आए लोगों की हल जानने के लिए। अच्छा यहाँ पर आए थे कोई लोग प्रशासन के लोग आए थे ब्लॉक तो बता दे एक नाम दिक्कत है जो पूरे 300 आदमी को मिला नहीं है, ठीक कूड़ा उड़ा तो साफ नहीं मिला है। आज विधायक जी स्वतंत्र जब से देश हुआ है तब से आज विधायक रूप को हम लोग देखे हुए, पहली बार विधायक जी आरपुर में आए हुए, वो भी बाद में वैसे बराबर आते हैं। एक किलोमीटर पानी में हेल कर विधायक जी यहाँ पहुँचे हैं, हम लोग इसी में खुश है। विधायक जी अभी सब चीज को कह दिए, बिजली विभाग को भी कह दिए बिजली 3 दिन से कटा हुआ है। विधायक जी हर समस्या में यहाँ पर आते जाते रहते हैं, लेकिन बाढ़ के समय में जब से आजादी हुआ पहला बार है जो विधायक जी इस गांव में बाढ़ इस परिस्थिति को देख करके भी अपना जान जोखिम उठा करके खतरा देखते हुए वो खतरा से जूझते हुए यहाँ पर आए हैं। और पहले से चल रहा है और लोग इस व्यवस्था से पूरी तरह संतुष्ट भी हैं। एक समस्या उन लोगों ने बताया कि कल तक बिजली था और कल के बाद से कट गया है, तो भी हम लोग बात करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन चूंकि मोबाइल लग नहीं रहा है और यहां से जाते ही हम लोग बिजली का। अच्छा प्रशासन प्रखंड के कोई अधिकारी नहीं, आप तो इतना दूर जान जोखिम में लेकर के आए, सभी लोग लगे हुए हैं, हम लोग किसी पर दोष नहीं देंगे, सारा काम उन्हीं लोगों को करना है और वो लोग काम करेंगे। सभी के खाता में 6-6 हजार रुपया जाएगा, पॉलीथीन की आवश्यकता है वो भी दिया गया है, नाव की आवश्यकता है वो भी उपलब्ध कराया गया है, खाना पहले से चल रहा है, सब लोग से पूछ लीजिए। खाने के बारे में कहा जा रहा है बच्चों को दिया जा रहा है लेकिन बड़ों को नहीं दिया गया, पूछ लीजिए क्या खाना हम लोग इतना ही खुशी है, एक विधायक मंजूर होते हुए हमारे बीच में आ गए हैं, हम लोग इससे बड़ा बहुत बड़ा नहीं। सबसे पहला यही है जब से स्वतंत्र हुआ है यहाँ का आदमी, सबसे बार हमारे विधायक जी आकर के दुख काफी खुश हैं क्योंकि काफी अरसे के बाद लोगों का कहना है इससे पहले कोई विधायक यहाँ नहीं पहुंचे थे लेकिन आज विधायक यहाँ पहुंचे हैं, लोगों में खुशी है, लोग क्या कार्य कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मदन सैनी से उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ सारी रिपोर्ट होना पड़ेगा। धन्यवाद।
केंद्र की स्थिति सबसे दुर्दशा है। एक एक वहाँ पर में NM है और दूठो कंपाउंडर बैठा हुआ है और डॉक्टर का पता नहीं है वहाँ पर, कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं वहाँ पर। शिकायत आपने प्रभारी से किया? प्रभारी जहाँ कभी एवे नहीं करते हैं, नहीं आते हैं। अच्छा, यहाँ मेडिकल टीम का क्या व्यवस्था, अगर कुछ हो जाता है तो? कुछ नहीं, भगवान के भरोसे है, अभी भगवान के भरोसे है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो कैसे आप लोग करेंगे? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एक रो बैठा है, सीधा मर जाएगा, कोई नहीं है यहाँ पर, नहीं डॉक्टर है, नहीं यहाँ पर कोई चला चल रहा है, नहीं गाड़ी है, कुछ चल रहा है, नहीं डॉक्टर है, नहीं कंपाउंडर है, नहीं चुनाव है, नहीं कोनो चालक निकले, बिजली लाइन जैसे वहाँ पर नौ वाला सर जैसे मतलब कोनो निमक की नौ चुके नौ खेमने के लिए तार को नहीं दे रहा, अभी अगले वहाँ से आया है अभी। अच्छा ये बताइए, आप लोग को अगर कोई बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए क्या है यहाँ पर? कुछ नहीं है, कुछ नहीं यहाँ पर, कुछ नहीं यहाँ पर, हिंदू होटल यहाँ पर भगवान बचा रहा है, कुछ चला नहीं है। क्या लग रहा है कल से पानी बढ़ा है क्या? कल से पानी किस भी कम है, किस किस अब राहत बचाव काम होना चाहिए ना। हाँ मंत्री जी नहीं, क्या यहाँ पर माल जाल यहाँ पर सब फांसी पर रहा है? क्या क्या लग रहा है? ढींगा कोई चारा यहाँ नहीं है श्रीमान, चारों तरफ रास्ता बंद हो चुका है, उत्तर मुंह आधार चलता था नंबर क्या बोल रहा है, पानी दिक्कत की है, पाँच बरस पाँच हम बरस घर वाला बाढ़ में किया कना के दिक्कत हो रहा है, बाढ़ में घर खसल पानी में माल खाना खाए सब खाना खाए तखन हमरा नहीं दे सरकार चले छै भोजन सारा सारा है वसूला यो सब सब भूसा सब नेता सब चूतिया है गर्मी में मर रहा है, लाइट नहीं आ रहा है, लोग क्या करेगा, आप सब जल्द से जल्द लाइट दीजिए। और क्या दिक्कत है, खाने पीने का खाना मिला तुमको? नहीं मिला, बहुत कुछ खाना पीना मिला है लेकिन घर घर में पानी घुस गया है, इसके लिए आप सबको कोई इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ सब के नाम भी रहत के कोई सुविधा से हम सब वंचित नहीं। बाबू आगे आप लोग छः साइड है तो आए भाई बाबू आए।